रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाएगा। सही है जी सर। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसे कहते हैं? यही अर्थ, ये इसकी फील्ड है इनवर्ट। अब अगर बॉडी मूव करे एक पॉइंट वन से पॉइंट टू था ना, अब फर्क यह है कि ये पॉइंट टू जो इंफिनिटी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी का मतलब फील्ड से आउटसाइड। फील्ड से आउटसाइड ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वुड बी नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Work done in moving a body from inside the field to outside the field. Outside the field ले जाने के लिए जितना भी work करना पड़ेगा that is known as gravitational absolute potential. Work done per unit mass to move from point inside gravitational field to point of infinity outside field is called absolute potential. सही है, कॉपी करो। कर लिया सर। हो गया सर। कॉपी कर लिया? अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? माइनस जी एम। यार जी एम वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। ठीक है, इक्वेशन वन हो गई। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा?
पॉइंट ऑफ ये आर टू जो है वो क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। जी सर। इसमें इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एम वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर इंफिनिटी तो दैट वुड बी ये क्या हो जाएगा वन ओवर इंफिनिटी तो ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस जी एम वन ओवर आर वन माइनस जीरो तो फाई एब्सोल्यूट माइनस जी एम ओवर आर वन ये पॉइंट वन के लिए आपने निकाला है सही। एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए भी क्या होगा माइनस जी एम होगा हो गया जी सर। हाँ अब है सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं? ये कोई भी प्लैनेट हुआ, ये प्लैनेट है कोई सा भी प्लैनेट, इसके अगेंस्ट कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्व कर रही है, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। तो प्लैनेट के अगेंस्ट सर्कुलर पाथ में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्व इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड सैटेलाइट। अच्छा जी, इसके बाद है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट।
जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं? इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम टू कवर वन ऑसिलेशन, टाइम टू कवर वन ऑसिलेशन या वन अच्छा By the way, अर्थ का जो टाइम ऑफ रोटेशन है वो है 24 आवर्स। अगर सैटेलाइट का भी टाइम ऑफ रोटेशन यही हो जो अर्थ का है, अगर सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन यही हो जो कि अर्थ का है, तो ऐसी सैटेलाइट को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ओके जी सर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सैटेलाइट सैटेलाइट विच हैज सेम पीरियड that of earth or any planet is called geostationary ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फ्यूचर्स हैं, वो क्या है? इट्स सम फ्यूचर्स आर नंबर वन सेम period of rotation as that of Earth. That is T equals to R. अच्छा, इसका जो ऑर्बिट होता है वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, यानी कि यू इट इज प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। आप कंफर्मेशन के लिए, आपको आसानी के लिए इक्वेटोरियल ऑर्बिट कैसा है वो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको।
ये देखो, ये मैं एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रही है ये देखो सैटेलाइट जी सर, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर हो सही ये ठीक है सर। चलिए आ गया है, एक चीज और, ये यूं जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है यूं करके, यूं ठीक है, अर्थ यूं घूम रही है और ये यूं जाती है सही। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और देख लेता हूँ ये रहा ऑर्बिट, वो फॉर्म वेस्ट टू ईस्ट is from क्योंकि अब आप आ जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सैटेलाइट ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी है, सैटेलाइट जो है रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, दो फोर्स होंगी, एक होगी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में घूमने की वजह से और दूसरी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्लैनेट का मास और सैटेलाइट का मास, सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, ये
आर स्क्वायर से आर कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू, और एम से एम कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ओवर आर। स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये बी किसके बराबर हुआ, जीएम ओवर आर। ठीक है सर। अच्छा, इसमें जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, m mass of satellite, r radius of orbit of satellite, और g क्या है, gravitational constant। ठीक है सर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी निकाल कर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक और फॉर्मेट में, जी बराबर है किसके, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो एम किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, इसको पुट कर दिया मैंने इक्वेशन वन में, पुट इन वन, एम की जगह क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर। आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, जी से ये जी कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जी बच जाएगा और आर बच जाएगा, सर लेकिन ये तो उससे अलग है काफी, पिछली वाली इक्वेशन से अंडर रूट जी एम ओवर आर से, आप तो उसको दूसरे फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा सर, तो आंसर दोनों से वही आएगा, मतलब दोनों एक ही चीज के लिए, अगर आपको एम और आर की बिनो तो वो लगा ले जी और आर, ये लगा सही सर, यहाँ पे छोटा वाला जी भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नहीं नहीं ये 9.8 वाला है। अच्छा ये वो
हो गया टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सैटेलाइट पे निकालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। Time period of rotation of satellite. Satellite. Revolve around planet in circular orbit because. वही बात के सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर है किसके ग्रेविटेशन का जो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक फार्मूला ये भी है 4π² mr over t square 4 pi square mass of body radius of orbit time period of rotation ye kya ho jayega g m capital m over r mass of satellite capital m mass of planet r square radius of orbit m se m cancel ये फाइनली फिर क्या होगा तो ये हो जाएगा 4π² r ओवर t स्क्वायर m ओवर r अब क्या होगा ये आर स्क्वायर इधर चले जाएगा आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जी एम ओवर और ये 4π² इधर आएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर क्यूब सी एम ओवर 4π² इंटू टी स्क्वायर तो ये एक्सप्रेशन आ गई इफ अगर जी एम ओवर 4π² क्या हो कॉन्स्टेंट हो then r cube बराबर है constant into t square constant हटाऊंगा तो r cube proportional है ये आपका हुआ ग्रेविटेशन कंप्लीट सही सर एक चीज मैं बताया भूल गया वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का ग्राफ वो भी बताई जो ताकि कंप्लीट हो जाए सर इसके अंदाजन मतलब हर चैप्टर के कितने सवाल करने चाहिए कि मतलब एसएलआई हो गई है तैयारी
यार जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें से कम अज कम आप सिलेक्टिव क्वेश्चन कुछ जो सेम सेम नेचर है उसको तो भले छोड़ दो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 10-12, 10-12, 15 ऐसे कर लिए तो तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा। मतलब आखिर के अगर हम 10-12-15 कर लें तो सही है। हाँ लेटेस्ट वाले कर लो, रोज मिल जाएंगे वो तुम्हें। Okay. ये phi है और ये r, तो ग्राफ यू बनता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होता है ना, r 2r 3r एंड so on, तो ये कम होता है। पेंसिल की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस। हाँ शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पाई नेगेटिवली डिक्रीज by increasing from the plan. सही बेटा, इसको रिव्यू कर लो, कल कलम क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भेज के अभी जगह रात बैठ के कर लो। कल दोपहर में तो पास पेपर भी होगी ना कल, है दोपहर में तो पास पेपर की क्लास होगी ना। हाँ फिर वो पास पेपर की क्लास ठीक दोपहर में कर लूंगा। हाँ इस तरह का यूनिट कर लूंगा, कब तो कर लूंगा बता दूंगा। ठीक है सर, परसों केमिस्ट्री का पेपर है तो बाकी मेरे इसलिए आज एक ऐसा टॉपिक करा लिया थ्योरी करा। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बस मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक ओके सर, अल्लाह।